Good evening and praise the Lord to all of you who are attending this Bible study this evening. और आज की रात आज की शाम आप सब जो हमसे इस बाइबल स्टडी या बाइबल अध्ययन के माध्यम से जुड़े हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन देता हूं। We are restarting the Bible studies on Wednesday. और हम अपने बाइबल अध्ययन की दोबारा शुरुआत करने जा रहे हैं जो बुधवार की शाम हम करते थे। This is the first of the studies after exactly one year. और लगभग एक साल के अंतराल के पश्चात हमने फिर से अपने बाइबल अध्ययन को ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया है। During this one year, और पिछले एक साल में many things have happened, कई सारी बातें हुई हैं, a pandemic has happened, और एक महामारी भी आई, and at least 2 years of lockdown, और 2 साल लगभग पूरा देश बंद रहा, and then continuously there have been recurring of the COVID-19. और बार बार बीच में हम देखते हैं किस प्रकार से कोविड की जो महामारी थी वो छूट छूट करके रुक करके फिर से चली आ रही थी। Many have lost their lives. कईयों ने अपने जीवन गवा दिए। And so many have become widows and many have become widowers. और इसी रीति से कई सारे ऐसे जो विधवा बन गए या बन गई। Many lost their parents, many lost their children. कईयों ने अपने माँ बाप को खो दिया और कईयों ने अपने बच्चों को खो दिया। But God has been very faithful. लेकिन परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। He has kept us through all these events. लेकिन उसने इन सारी घटनाओं में हमें बचा करके रखा। And now, exactly after 1 year, this is the first of these studies. और एक साल के अंतराल के बाद हम अपने अध्ययन को बाइबल अध्ययन को दोबारा या पुनः आरंभ कर रहे हैं। We have been studying the first Corinthians. और हम पहली कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे थे। A letter Apostle Paul wrote to the Corinthian church. और ये एक ऐसी पत्री है जो कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस प्रेरित ने लिखी थी। And we have covered 12 chapters. और लगभग 12 अध्यायों का अध्ययन हम कर समाप्त कर चुके हैं। And we have 4 more chapters to cover. और 4 और अध्याय हमारे बचे हैं। So today we are starting chapter 12. और इसलिए आज की शाम हम पहला और 13वें अध्याय की शुरुआत को करेंगे। And chapter 12, 13 and 14 deal with the questions concerning spiritual gifts. और पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय बात करता है आत्मिक वरदानों के विषय में। Now, chapter 12 is a very special chapter. और याद रखिए जो पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय है वो एक खास अध्यायों में से एक है। We have covered chapter 12 dealing with the gifts of the Holy Spirit. और हम 12वें अध्याय के अध्ययन को समाप्त कर चुके हैं, वो 12वें अध्याय जो बात करता है आत्मिक वरदानों के विषय में। So today we shall start with the chapter 13. और इसलिए आज की शाम हम पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। Now chapter 13 is put between chapter 12 and chapter 14. और जो 13वां अध्याय है पहला कुरिन्थियों का उसे 12वें और 14वें अध्याय के बीच में रखा गया है। And this chapter deals with love. और ये अध्याय बात करता है प्रेम के विषय में। Love is the most excellent quality of life. और जो प्रेम है जो जीवन की सबसे उत्तम गुण है। And so the most excellent quality is not gifts, but it is love. और इसलिए याद रखिए कि जीवन की सबसे उत्तम गुणों में कोई वरदान नहीं आते लेकिन प्रेम है। Now we may wonder why this chapter, which seem have nothing to do with gifts, in between these two chapters. और हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्यों 12वें और 14वें अध्याय के बीच में ये 13वें अध्याय को पौलुस ने रखा जिसका आत्मिक वरदानों से कोई लेना देना नहीं है। And the reason is this. और उसका कारण ये है। The operation of the gifts of the Holy Spirit must be done on the foundation of love. हमें पवित्र आत्मा के वरदानों को काम में लाना है लेकिन उन काम में लाने के लिए जो उसकी नींव होनी चाहिए वो प्रेम हो। What the world needs more than anything else is
लव और जिस बात की आवश्यकता इस संसार को है किसी और बातों से बढ़कर वो है प्रेम. Now you imagine a world where people really loved each other. और एक ऐसे संसार की आप कल्पना करिए जहां लोग आपस में सच में प्रेम रखते. There would be no more war. तब और कोई लड़ाइयां नहीं होंगी. And no more crime. कोई और रोना नहीं होगा. No more abuses. कोई एक दूसरे का फायदा उठाना नहीं होगा. No more injustice. और किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा. No more poverty. किसी भी प्रकार की गरीबी नहीं होगी. No more hunger. किसी भी प्रकार की भूखमरी नहीं होगी. No more starvation. और किसी भी प्रकार से कोई भूखा नहीं रहेगा. No more homelessness. और किसी भी प्रकार से कोई बेघर नहीं होगा. No more deprivation. और किसी भी प्रकार से कोई किसी बात में कमी नहीं होगी. And no more immorality. और किसी भी प्रकार की अनैतिकता नहीं पाई जाएगी. What kind of a world is that? और किस प्रकार का संसार ये होगा? Well, thanks be to God, there is going to come a time when we are going to have a kingdom in which all these things will not be there. लेकिन परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहें और धन्यवाद कहें क्योंकि एक ऐसा राज्य आ रहा है जिसमें ये सारी बातें नहीं होंगी. And love is the greatest quality of life. और याद रखिए प्रेम जीवन की सबसे बड़ा गुण है. This love can revolutionize society. और ये प्रेम समाज में क्रांति को ला सकता है. This love can revolutionize the people. और ये प्रेम का जो गुण है वो लोगों के भीतर क्रांति को ला सकता है. Individuals and families. और व्यक्तिगत लोगों के और परिवारों के बीच में. Let's revolutionize the whole nation. वो पूरे राष्ट्र को पूरे देश के भीतर एक क्रांति को ला सकता है. Love is the greatest quality of life. और याद रखिए प्रेम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है. And remember the love is the supreme quality. और याद रखिए प्रेम सबसे उत्तम गुण है. And it is the most excellent way for a man to live. और ये एक मनुष्य के लिए सबसे उत्तम तरीका है जिसके द्वारा वो जी सकता है. It is greater than all the gifts described in chapters 12 and 14. और ये उन सारे आत्मिक वरदानों से कहीं बढ़कर है जिनका वर्णन पौलुस प्रेरित ने 12वें और 14वें अध्याय में किया है. And even these gifts have to be operated on the basis of love. और यहाँ तक कि इन वरदानों का भी हमें काम में लाना है प्रेम के द्वारा. And in other words, the operation of these gifts is to be by love. Hence, chapter 13 is between these two chapters, chapters 12 and 14. और इसीलिए क्योंकि इन सारे आत्मिक वरदानों को हमें काम में लाना है प्रेम के द्वारा, पौलुस 13वें अध्याय को 12वें और 14वें के बीच में रखता है. So let us look into this chapter of love. और आइए हम इस प्रेम के अध्याय की ओर देखें. This chapter 13 has four divisions. और इस 13वें अध्याय में चार भाग हैं. Number one, पहला विभाजन, the great importance of love. कि सबसे महान या उत्तम महत्वपूर्ण या सबसे जरूरी प्रेम में क्या है? It is described in verses 1-13. और वो पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक इसका वर्णन पौलुस करता है. And in this there are three verdicts you will read. और इसमें इस पूरे भाग में तीन ऐसे जगहें हैं, तीन ऐसे स्थान हैं जहां पौलुस कुछ बातों को बताता है. नंबर वन, पहला स्थान, टंग्स विदाउट लव आर मीनिंगलेस. कि अन्य भाषा में बात करना बिना प्रेम के उसका कोई अर्थ नहीं है. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for all the believers to know how these gifts are to be operated, why these gifts are. कृपया कर बड़ी सावधानी से इन बातों को सुनिए, शिक्षक में भाग लीजिए क्योंकि सभी विश्वासियों को ये जानना अनिवार्य और महत्वपूर्ण है कि कैसे हमें अपने वरदानों को काम में लाना है. So number one, tongues without love is meaningless. और इसलिए पहली बात ये है कि अन्य भाषा में बोलना बिना प्रेम के अर्थहीन है. And secondly, दूसरी बात, gifts without love are nothing. और वरदान या तोहफे बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है. Prophecy is nothing.
और भविष्यवाणी भी कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑल मिस्टरीज एंड नॉलेज आर नथिंग, और सारे रहस्य को समझना या सारी बातों का ज्ञान रखना भी कुछ नहीं है। फेथ इटसेल्फ इज नथिंग, और विश्वास भी अपने आप में कुछ नहीं है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ द अपोस्टल पॉल, और ये पॉलस प्रेरित के शब्द हैं। इफ देयर इज नो लव, अगर प्रेम ना मौजूद हो। The third verdict is, और जो तीसरी बात पॉलस बताता है, giving without love profits nothing, कि बिना प्रेम के देने से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। Apostle Paul says, और इसलिए पॉलस प्रेरित कहता है, if I sell all things that I possess, कि मैं सारी बातों को बेच दूं जो मेरे पास हैं, and collect all the money, और सारे पैसे को इकट्ठा कर लूं, and then distribute the entire amount to the poor people, और सारे पैसे को उठाकर गरीबों के बीच बांट दूं, and if there is no love, लेकिन फिर भी अगर मेरे भीतर प्रेम नहीं, it profits me nothing, तब कोई भी लाभ मुझे नहीं होगा। You may ask, is it possible to do all these things without love? आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या ये सारी बातें करना प्रेम के बिना संभव है? Oh yes, हाँ संभव है। Because you can do it for a selfish purpose. Oh, I want the world to know what I am. क्योंकि इन सारी बातों को आप स्वार्थ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप ये दिखाना और बताना चाहेंगे संसार को कि मैं कौन हूँ। And the third verdict is, और जो तीसरी बात पॉलस वहाँ बताता है, giving without love profits nothing, कि बिना प्रेम के देना किसी भी लाभ का नहीं। So these are the three verdicts, और ये वो तीन न्याय हैं जो पॉलस दिखाता है। Thanks without love are meaningless, कि बिना अन्य भाषा बिना प्रेम के अर्थहीन है। Secondly, gifts without love are nothing, दूसरा तोहफे या वरदान बिना प्रेम के कुछ नहीं। And thirdly, giving without love profits nothing, देना बिना प्रेम के किसी भी लाभ का नहीं। So that is the first importance of love, और यही प्रेम का सबसे पहला महत्व है। And this is the first division, और यही वो पहला विभाजन। And the second division is, और जो दूसरा विभाजन इस अध्याय में है, the great acts of love, कि जो प्रेम के महान काम है, that is the second, that is verses 4-7, वो चौथे वचन से लेकर सातवें वचन तक है। We shall study these things in details in our lessons. और हम अपनी अध्ययन में इन सारी बातों के विषय में गहरे रूप से अध्ययन करेंगे। What I am doing today is the introduction of chapter 3. जो मैं आज की शाम करना चाहता हूँ। Chapter 13. जो आज की शाम मैं करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ वो ये है कि मैं 13वें अध्याय को एक संक्षेप के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। And the third division is, और जो तीसरा विभाजन है, the great permanence of love, कि जो कैसे प्रेम स्थाई है, उसका महानता स्थाई है। Verses 8-12. आठवें वचन से लेकर 12वें वचन तक। So the first thing we notice there is, और जो पहली बात वो वहाँ पर हम देखते हैं, love never fails, कि प्रेम कभी असफल नहीं होता, never ceases, और कभी रुकता नहीं, never vanishes, और कभी समाप्त या मिटता नहीं, and secondly, और दूसरी बात, love is perfect and complete, कि प्रेम सिद्ध और पूर्ण है, and thirdly, और तीसरी बात, it is love is maturity, कि जो प्रेम है वो सयानापन है, mature behavior, और जो एक सयाना स्वभाव रखना या व्यवहार करना। And then fourthly, और चौथी बात, love is being face to face with God, और प्रेम का मतलब है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आमने सामने आ जाते हैं। Perfect consciousness of God and perfect knowledge of God, और परमेश्वर के प्रति एक सिद्ध ज्ञान और विवेक को अपने भीतर लेकर के चलते हैं। Why? क्यों? Because God himself is love, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं? That we have a God and we know a God who is love. कि हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं और देखते हैं जो खुद प्रेम है। He wants to do good things for his followers. कि वो अपने अनुयायियों के लिए अच्छी बातों को करना चाहता है। God is a God who loves even his enemies. और परमेश्वर तो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखता है। Some people ask, why is it that God did not give any opportunity for Satan, for the devil to return? और कई लोग ये पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर ने शैतान को ये मौका नहीं दिया कि वो भी मन फिराए और वापस लौट आए?
Who told God has not given? और किसने आपको ये बताया कि परमेश्वर ने ये मौका उसे नहीं दिया? You know, from the time the devil revolted in heaven before the creation. और इससे पहले कि परमेश्वर सृष्टि की रचना को करता, उस वक्त जब शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा और लड़ाई करी, how many created angels? और जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना को किया, and you know, Lucifer was an angel and the leading angel. और आप सभी को पता है कि लूसीफर उन सब की अगुवाई करने वाला एक स्वर्गदूत था। Then he rebelled against God himself. लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। He wanted to be above God. और वो परमेश्वर के ऊपर आना चाहता था। And then he was cast out. और उसको परमेश्वर ने वहां से निकाल from दिया। See, from that first rebellion. और उस पहले बलवे से, God, he had an opportunity. How many thousands of years? और कितने हजारों सालों तक का समय उसके पास था? You know when that time was over? आपको पता है वो मन फिराने का समय कब समाप्त हुआ? When Jesus Christ was ready to go to the cross. जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने को तैयार था। He had, but he didn't want to. उसके पास भी मौका था कि वो मन फिराए, लेकिन वो नहीं चाहता था। He became a competitor to God the creator himself. लेकिन वो तो परमेश्वर सृष्टिकर्ता के विरुद्ध लड़ने वाला, उसके विरुद्ध लड़ने वाला एक व्यक्ति बन गया। And it is that devil who got into Judas Iscariot when he walked out of the group of disciples. और यही है शैतान है जो यहूदा इस्करियोत के भीतर आ गया जब वो उन चेलों के मंडली से निकलकर बाहर आ गया। So God is love. और इसलिए परमेश्वर प्रेम है। And that is why we can be proud of the fact that God gives all of us opportunities again and again and again. और इसलिए हम सब इस बात का गर्व कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें बार-बार मौके देता है। How many times? Even after we got saved and baptized and filled with the Holy Spirit, we rebelled against God in certain matters, but He was merciful and He restored us. लेकिन कितनी बार परमेश्वर में आने के बाद भी हम परमेश्वर से मुख फिराया और गिर गए उसकी महिमा से, लेकिन फिर भी उसने दया और प्रेम को दिखाया और हमें अपनी ओर वापस खींच लिया। David committed so many mistakes and sin. और दाऊद ने भी कई प्रकार के गुनाहों को, कई प्रकार के पापों को किया। And every time God gave opportunity and David, the first opportunity, he repented and he returned to God. और लेकिन पहले ही मौके में दाऊद ने मन फिराया और परमेश्वर की ओर मुख किया और वापस उसकी ओर हो गया। So the second division is, और जो दूसरा विभाजन है, the great acts of love. और प्रेम के महान कार्य। What does love do? कि प्रेम क्या करता है? Verses 4-7. चौथे वचन से लेकर सातवें वचन तक। And the third division is, और जो तीसरा विभाजन है, the great permanence of love. कि प्रेम की महान स्थायिता या स्थिरता। Verses 8-12. आठवें वचन से लेकर बारहवें वचन तक। And fourthly, और चौथा विभाजन, the great supremacy of love. कि कैसे जो चौथा विभाजन है वो बात करता है प्रेम के उच्चता या उसके उत्तमता के विषय में। Verse 13. तेरवां वचन. Where it says, now these three endure forever. जहां पर इस प्रकार लिखा है कि इन सब बातों में प्रेम बड़ा है। Love, faith, and विश्वास, आशा और प्रेम। प्रेम। And the greatest of these three. और इन तीनों में सबसे महान है। Is what? वो क्या है? Love. प्रेम। So the great supremacy of love. और इसीलिए प्रेम का महान उत्तमता। So these are the four divisions of this chapter 13. और तेरहवें अध्याय में ये चार विभाजन पाए जाते हैं। The word for love used in this entire chapter is the great word agape. और जो प्रेम के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है इस तेरहवें अध्याय में, वो शब्द यूनानी में अगापे के नाम से है। Now there are various kinds of love in the world. और इस संसार में कई तरीके और कई प्रकार के प्रेम मौजूद हैं। Essentially four kinds. और खास रीति से चार तरीके के। Four kinds of love. चार प्रकार के प्रेम। The meaning of agape love
is more clearly seen by contrasting it with various kind of love. और ये जो अगापे प्रेम का जो परिभाषा है उसको हम तब और अच्छी और स्पष्ट रीति से समझ सकते हैं जब हम इस शब्द की तुलना उन दूसरे प्रकार के प्रेमों से कर उनकी परिभाषाओं को जानते हैं. English language has only one word for love. और जो अंग्रेजी भाषा है उसमें प्रेम के लिए सिर्फ एक ही शब्द है. That is love. और वो है प्रेम या लव. And that is the only word in English language to express each kinds of love. और ताकि और अंग्रेजी की भाषा में ये सिर्फ एक ही शब्द प्रेम है जिसका प्रयोग किया जाता है हर प्रकार के प्रेम के वर्णन करने के लिए. But a Greek language has a different word to describe each kind of love. लेकिन यूनानी की जो भाषा है या यूनानी जिसमें बाइबल नया नियम लिखा गया उस भाषा में अलग अलग शब्द हैं प्रेम को अलग अलग प्रेम को दर्शाने के लिए. I will just mention what these four words और मैं सिर्फ इन चार शब्दों को आपको बता दूंगा. There is the word eros love. और एक शब्द है जिसको कहता है यूनानी में eros प्रेम. It is for passionate physical love. और वो इसका परिभाषा है एक ऐसा प्रेम जो शारीरिक रूप से व्यक्त किया जाए जो खूब जनूनी प्रेम हो. Now if you are writing down notes, और अगर आप लिख रहे हैं, the spelling of eros is E-R-O-S. It is a Greek word. और अगर इस शब्द को लिखना चाहते हैं यूनानी शब्द का जो स्पेलिंग है वो है E-R-O-S. And secondly, there is storge. और जो दूसरा शब्द है वो है स्टोरगे. स्टोरगे लव. वो है स्टोरगे प्रेम. What is that? और ये कैसा It प्रेम is है? Affectionate love. और एक सहारनीय प्रेम है. लव बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन. और ये ऐसा प्रेम है जो माँ बाप और बच्चों के बीच होता है. एंड ब्रदर brothers and sisters, भाइयों या बहनों के बीच, between loyal citizen and trustworthy ruler, और जो सच्चे शासक और उनके प्रजा के बीच में जिस प्रकार का प्रेम होता है. In other words, दूसरे शब्दों में, it is family love, पारिवारिक प्रेम. And then there is the word philio. और उसके बाद एक और शब्द है प्रेम के लिए और उसे कहते हैं फिलियो प्रेम. Now the spelling is P-H-I-L-E-O. और इसका स्पेलिंग है P-H-I-L-E-O, फिलियो लव. Now फिलियो लव is endearing love. और ये जो प्रेम है फिलियो प्रेम ये है सहने वाला प्रेम. It is between husband and wife. और ये होता है एक पति और पत्नी के बीच में. Brother and sister. भाई और बहन के बीच में. Between a friend and a dearest of friends. और एक मित्रों के बीच में और सबसे अच्छे मित्रों के बीच में. It is the love that cherishes. और वो एक ऐसा प्रेम है जो एक दूसरे को सराहता है उसका भला चाहता है. It is the love that holds someone or something ever so dear to one's heart. और एक ऐसा प्रेम है जो किसी दूसरे को अपने हृदय के बहुत प्रिय और नजदीक जानता है. And it can, in other words, truly be said, it is family love. और इसलिए इस प्रेम को भी हम कह सकते हैं कि ये भी सत्य रीति में एक पारिवारिक प्रेम को दर्शाता है. Then there is selfless, unconditional, sacrificial love. और इसके बाद एक और प्रेम है जो निस्वार्थ बलिदानी और शुद्ध करने वाला प्रेम है. It is agape love. और वो है अगापे प्रेम. A-G-A-P-E. A-G-A-P-E, agape. That is, agape is Greek. और ये agape जो शब्द है ये यूनानी का शब्द है. It is the love of the mind and of the will. और ये तो मन और इच्छा शक्ति का प्रेम है. It is the love that goes so far that it loves a person even if he does not deserve to be loved. और ये एक ऐसा प्रेम है जो इतनी दूरी तक और इस सीमा के पार जाता है कि ऐसे लोग जो प्रेम के योग्य नहीं है उनसे भी प्रेम करने के लिए मजबूर करता है. That is agape love. और यही है अगापे प्रेम. Now where do you find that? और कहाँ आप इस प्रेम को पाते हैं? A love which loves even if the person whom you want to love does not deserve to be loved. ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा जो एक ऐसे व्यक्ति से भी प्रेम रखे
जो किसी भी प्रेम के योग्य ना हो. Now four things are said concerning agape love. चार बातों को अगापे प्रेम के विषय में कहा जाता है. It is selfless. और ये निस्वार्थ प्रेम है. Where do we find that? और कहां ऐसे निस्वार्थ प्रेम को हम पाते हैं? Agape love is the love of God. और याद रखिए अगापे प्रेम परमेश्वर का प्रेम है. The very love possessed by God Himself. और एक ऐसा प्रेम जो खुद परमेश्वर अपने भीतर रखा हुआ है. He is not simply he feels love. और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसे महसूस होता है प्रेम करने के लिए. He is actually possessed by love. लेकिन वो तो प्रेम से कब्जा हुआ हुआ है. So one way we can say love is a divine spirit. और इसलिए एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेम स्वर्गीय या दैवीय आत्मिक है. But love is like a person. और प्रेम में एक व्यक्ति के समान है. And there is selfless, unconditional, sacrificial love in God. और परमेश्वर में एक निस्वार्थ, बलिदानी और बिना शर्त का प्रेम हमें मिलता है. And that is the only love that will love even when the person is not deserve to be loved. और एक ऐसा ही प्रेम है या यही प्रेम है जो एक ऐसे से भी प्रेम रख सकता है जो किसी प्रेम के योग्य ना हो. It is the love of God. और यह है परमेश्वर का प्रेम. And so God is actually possessed with that love. और परमेश्वर एक ऐसे प्रेम से भरा हुआ है. That is what the apostle John mentioned in his gospel. और इसी बात को यूहन्ना अपने सुसमाचार में भी लिखता है. For God so loved the world. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. And at the same time. लेकिन उसी समय. How about the world? लेकिन संसार ने क्या किया? The world has completely rejected this. संसार ने तो परमेश्वर का तिरस्कार किया, उसके विरोध किया. The world does not care for. और संसार तो किसी प्रकार से उसकी चिंता नहीं किया. And we will have some references later on. और कई सारे वचन के भाग होंगे जिन्हें हम बाद में देख सकते हैं. But consider this. लेकिन इस बात को सोचिए. God is possessed by His love. कि परमेश्वर इस प्रकार के प्रेम से भरा हुआ है. And whatever possesses you, that will control you. और जो बातें आपके अंदर भरी हुई हैं, आप पर कब्जा किए हुए हैं, वही आपको नियंत्रित करेंगी. That is why when the evil spirit comes and possesses a person. और इसीलिए जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर कब्जा करता है, you can easily recognize. आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं. Because that person seems to be acting like the devil and speaking like the devil and doing everything like the devil. क्योंकि वो व्यक्ति एक शैतान की तरह दिखता है, बात करता है, हर एक काम को समान करता है. And when we see that person's actions, और जब हम उस व्यक्ति के कामों को देखते हैं, and behavior, और उसके स्वभाव को, and actions and language, और उसके कामों को और उसकी भाषा शैली को, then we'll say that person is, that woman is, or that man is demon possessed. तब हम कहेंगे वो व्यक्ति, वो बालक, वो जवान दुष्ट आत्मा ग्रसित है. So the spirit is controlling that person. क्योंकि वही दुष्ट आत्मा उसका नियंत्रण कर रहा है. And the same thing. और वही बात. You know, I pray. God, you fill me with your Holy Spirit. और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे पवित्र आत्मा, मुझे अपनी आत्मा से भर. Every day we must be filled with the Holy Spirit. प्रतिदिन मुझे पवित्र आत्मा से भर जाना है. That is what Paul says in Ephesians chapter 5 verse 18. और इसी बात को पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय और 18वें वचन में. Be filled with the Holy Spirit. कि आत्मा से भर जाओ. And I also pray. और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ. Lord, you not only fill me, but I want the Holy Spirit to possess me. कि हे प्रभु, तू मुझे ना केवल भर, लेकिन मुझ पर पवित्र आत्मा आप अपना कब्जा ले लो.
Because if I am possessed by the Holy Spirit, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं कब्जा किया गया, I speak like the Holy Spirit. तब मैं पवित्र आत्मा की तरह बात करूंगा. I behave like the Holy Spirit. तब मैं पवित्र आत्मा की तरह व्यवहार करूंगा. And I act like the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा की तरह काम करूंगा. What a beautiful thing that will be. और कितना सुंदर बात ये होगी. The Holy Spirit is the third person in the Holy Trinity. और ये पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में वो तीसरा व्यक्तित्व है. And let him come and not only fill us but possesses us. और ना केवल वो आए और हमें भरे लेकिन हम पर अपना कब्जा करने पाए. When all of God's people are possessed by the Holy Spirit. और जब परमेश्वर का हर एक जन परमेश्वर की पवित्र आत्मा से कब्जित है, कब्जा किया जाएगा. Behave and act and speak like the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की तरह देखना, चलना और व्यवहार करना शुरू करेगा. What can you expect to see? तब आप क्या आशा लगा सकते हैं देखने के लिए? Only love. सिर्फ प्रेम. Only good understanding. और सिर्फ अच्छी समझ. Only concern. और सिर्फ चिंताएं. There is no tearing at each other. और एक दूसरे को उधारना और एक दूसरे को काटना, एक दूसरे के विरुद्ध बात करना. Abusing somebody. दूसरे का ऊपर गाली गलौच नहीं. That is all demonic. क्योंकि ये सब दुष्ट की ओर से. And so let us pray in our daily life, Lord, you not only fill me but Holy Spirit comes and possesses. और इसलिए हम प्रतिदिन अपने जीवन में ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू ना केवल मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर, लेकिन अपनी पवित्र आत्मा का कब्जा मेरे जीवन पर ले ले. That's what possess God possess is possessed by love. और इसी तरीके से परमेश्वर एक ऐसे प्रेम से भरा हुआ कब्जे में है. God himself is possessed. और परमेश्वर खुद एक ऐसे अगापे प्रेम से भरा हुआ है. By his wonderful love. जो एक अद्भुत प्रेम है. Selfless. जो निस्वार्थ है. Sacrificial. बलिदानी है. And unconditional. बिना किसी शर्त के है. That is God's love. और यही परमेश्वर का प्रेम है. It is the love demonstrated in the cross of Christ. और ये तो वो प्रेम है जो क्रूसित मसीहा यीशु के उस क्रूस पर दिखता है. Jesus Christ was so possessed by love for humanity. कि यीशु मसीह मानव जाति के लिए इतना प्रेम से भरा हुआ था. And humanity's behavior towards God was demonstrated in the act of the religious leaders who betrayed Jesus. लेकिन मानव जाति का रवैया या व्यवहार इस क्रूसित मसीहा के लिए उन धार्मिक शिक्षकों के द्वारा दिखाई देता है जिसने यीशु का सताव किया और उसको क्रूस पर चढ़ाया. And Judas Iscariot. और वो यहूदा इस्करियोत. Demonstrated the human behavior. उसने उस मानवीय रवैये या व्यवहार को दर्शाया. And the crowd. और वो भीड़. The entire Jewish nation. और वो पूरा यहूदियों का राष्ट्र. Crying. और वो ये चिल्ला रहे थे. Crucify him. इसे क्रूस पर चढ़ाओ. And the soldiers. और वो सैनिक. Nailing Jesus to the cross. उस यीशु को उस क्रूस पर और कीलों से उसके पैर और हाथों को ठोक दिया. But Jesus possessed by that love. लेकिन यीशु मसीह जो उस प्रेम से कब्जे में था. Prayed for all of them. उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना किया. Father. हे पिता. Forgive them for they do not know what they are. उन्हें क्षमा कर क्योंकि वो नहीं जानते जो वो ये कर रहे हैं. The soldiers. उन सैनिकों को. And the people who are crying. और ये लोग जो मेरी मौत के लिए चिल्लाते हैं. They don't know what they are crying. ये नहीं समझ में आता, ये नहीं देखते ये क्या मांगते हैं. So forgive them. इसलिए उन्हें माफ कर. And after his resurrection. और उसके पुनरुत्थान के पश्चात. And Jesus commanded his disciples. यीशु ने अपने चेलों को ये आज्ञा दिया. You go into all the world. कि पूरे विश्व पूरे संसार में जाओ. And preach my gospel to every creature. और मेरे सुसमाचार का प्रचार हर एक प्राणी को करो. Now that creature is a reference to the entire human race. और याद रखिए वो प्राणी जो है पूरी मानव जाति के लिए कहा गया है. So somebody asks Jesus. और मान लीजिए अगर कोई यीशु मसीह से ये पूछे. Jesus, you are saying to go and preach to every living creature. यीशु मसीह आप तो कहते हैं कि जाओ हर एक जीवित प्राणी को सुसमाचार सुनाओ. Does it include Pilate who sentenced you to death? क्या उसमें ये पिलातुस भी शामिल है जिसने आपको उस क्रूस पर चढ़ाने के लिए आज्ञा दिया? Yes. तब यीशु कहेगा हाँ, वो पिलातुस भी उसमें सम्मिलित है. जा उसे भी मेरा सुसमाचार सुना. There is forgiveness in me. कि मेरे द्वारा एक क्षमा उपलब्ध है. How about the soldiers? उन सैनिकों के विषय में क्या?
I love each one of them. मैं उनमें से हर एक सैनिक से प्रेम करता हूँ. I will save them. मैं उन्हें भी बचाऊंगा. And how about these religious leaders? और इन धार्मिक शिक्षकों के विषय में क्या कहें? Who were crying for your blood? जो तेरे लहू के लिए चिल्ला रहे थे. Go and preach my gospel. तब यीशु कहेगा, जा उनके बीच भी मेरे सुसमाचार का प्रचार. And the multitude of people. और वो हजारों की भीड़ जो वहाँ इकट्ठा थी. Go into every nation. यहाँ पर हर एक राष्ट्र से व्यक्ति. And every language group. और हर एक भाषा शैली का व्यक्ति. Go and preach to all of them. उनके बीच तू जा और हर एक My love is flowing through to everyone. मेरा प्रेम हर एक के लिए बहता है. That's what Jesus would say. और यही यीशु कहेगा. That is agape love. और यही है अगापे प्रेम. Does humanity deserve to be loved? क्या मानव जाति इस योग्य है कि उससे प्रेम किया जाए? Absolutely not. बिल्कुल नहीं. The only thing mankind deserved was hellfire. और एक ही बात जिसका मानव जाति जिसके योग्य थी वो थी नर्क की आग. But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, Go and declare my gospel to all. जा और मेरे सुसमाचार का प्रचार हर एक से कर. My friends, मेरे मित्रों, it is not God's desire for anyone to perish. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है किसी के लिए भी कि वो नाश हो जाए. And it is true that God will never send anyone into hell. और ये भी सत्य है कि परमेश्वर कभी किसी को भी नर्क में नहीं भेजेगा. But then you ask, लेकिन फिर आप पूछते हैं, then why do you say that you go to hell if you don't accept Jesus Christ? कि क्यों मैं नर्क जाऊंगा अगर मैं यीशु मसीह को ग्रहण ना करूं? My friends, मेरे मित्रों, while God does not send you into hell, जब परमेश्वर आपको नर्क तो नहीं भेजता, you have a choice to make. लेकिन एक चुनाव आपके पास है करने के लिए. Where you want to spend eternity? कि कहां आप अपने अनंत के समय को बिताएंगे? Do you want to spend your eternity with God in heaven? क्या आप अपने अनंत के समय को परमेश्वर के संग स्वर्ग में बिताना चाहते हैं? But then you have to make a choice. लेकिन फिर इसके लिए आपको एक चुनाव करना पड़ेगा. By accepting and surrendering to the ways that God has provided for your salvation. ताकि आप उन मार्गों को उन तरीकों को अपनाएं जो परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए मुहैया कराया. When you reject it, जब आप उसका तिरस्कार करेंगे, it is not God's fault. तब ये परमेश्वर का गलती नहीं है. It is your fault. ये आपकी गलती है. God has created you, made you, given you a mind to think and make a choice, make a decision. परमेश्वर ने तो आपको बनाया है, आपको बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया है कि आप एक अच्छे चुनाव को करें. That is your problem. ये तो आपकी समस्या है. So my friends, और इसलिए मेरे प्रियो, if anyone listening to this message, और आप में से कोई भी जो इस संदेश को सुन रहा है, I plead with you, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, Jesus loves you, यीशु आपसे प्रेम करता है, He's waiting for you, वो आपका इंतजार कर रहा है, to come, make a choice and come to Him, Lord Jesus, कि आप एक चुनाव करें और उसके पास आ जाएं और कहें, हे प्रभु यीशु, I acknowledge you, मैं आपको अपना प्रभु मानता हूँ, I open my heart to you, मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलता हूँ, come into my heart. मेरे हृदय में आइए. And be my savior and lord. और मेरे उद्धारकर्ता और प्रभु बन जाइए. And live for him. और मैं उसके लिए आप जीने पाएं. Love demonstrated in the cross of Christ. और एक ऐसा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दिखा. Agape love. वो अगापे प्रेम. And when you look at the cross with Jesus hanging on, और जब आप उस क्रूस की ओर देखते हैं, यीशु की ओर जो लटका हुआ है, what do you see? आप क्या देखते हैं? You see love of God demonstrated for you. देखते हैं उस परमेश्वर के प्रेम को जिसको परमेश्वर उस क्रूस पर आपके लिए दिखाता है. It is the love of God for the ungodly. और ये तो परमेश्वर का प्रेम है ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर के नहीं थे. It is the love of God for the unworthy sinners. और ऐसे लोगों के लिए प्रेम था जो अयोग्य पापी थे. 2 Corinthians chapter 9 4 5 verse 15. और दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 15वां वचन. Can you read that? 2 Corinthians 9:15. दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 15वां वचन. परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद. That is why the love of God is beyond any description. और इसीलिए परमेश्वर का प्रेम किसी वर्णन के बाहर है. And the Romans 5:8.
और रोमियो की पत्री उसका पांचवा अध्याय आठवां वचन which says while we were yet sinners जहां पर इस प्रकार लिखा है जब हम पापी ही थे while we were still enemies of God जब हम अभी भी परमेश्वर के शत्रु थे hating God परमेश्वर से घृणा करते rejecting थे God परमेश्वर का विरोध करते God थे God still demonstrated his love for us when he sent his son Jesus Christ to become a sacrifice for you परमेश्वर ने फिर भी अपने प्रेम को हमारे लिए दिखाया और दर्शाया अपने पुत्र को भेजा यीशु मसीह को जो हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ गया and my friends remember this मेरे मित्रों इस बात को याद रखिए selfless agape love is a gift of God for you एक निस्वार्थ अगापे प्रेम परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक तोहफा है it can be experienced only if a person knows God personally that is very important aur ye iska anubhav ek vyakti tabhi kar sakta hai jab ek vyakti vyaktigat roop se parmeshwar ko janta aur uske sang rishta rakhta hai romans 5 verse 5 aur romiyon ki patri uska panchwa adhyay panchwa vachan romans 5:5 aur aasha se lajja nahi hoti kyunki pavitra atma jo hame diya gaya hai uske dwara परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है आमेन आमेन इट इज वंडरफुल द होली स्पिरिट पोर्स आउट गॉड्स लव इन आवर हार्ट्स और यह अद्भुत बात है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदयों में डालता है एंड देन सेल्फलेस अगापे लव इज द ग्रेटेस्ट थिंग In all of life. और ये जो निस्वार्थ अगापे प्रेम है ये हमारे जीवन भर में सबसे महान और उत्तम बात है. Let us see what the Gospel of Mark says. और मरकुस रति सुसमाचार में जब हम इस बात को देखते हैं. Chapter 12 verses 29-31. यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन. प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं That is selfless agape love. और यही है निस्वार्थ अगापे प्रेम Listen to the words of Jesus. यीशु मसीह के शब्दों को सुनिए. Let us begin to practice. और इन शब्दों के अनुसार जीना शुरू करें. And the last point I want to say. अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ. Selfless agape love is the greatest possession and gift in human life. और एक ये निस्वार्थ अगापे प्रेम एक मानवीय या मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा तोहफा और सबसे बड़ा वरदान है माय फ्रेंड्स मेरे मित्रों एवरी मेंबर ऑफ ह्यूमन रेस और मानव जाति का हर एक सदस्य रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन यू फॉलोड व्हाट कल्चर व्हाट लैंग्वेज व्हाट civilization it doesn't make any difference aur ye maine nahi rakhta aap kis bhasha se is bhasha shaili se aate hain kis gotra se aate hain kis jagah se aate hain aur kaun si jati se aate hain god has released his agape love for you to possess it lekin parmeshwar ne apne agape prem ko aapke liye diya hai taki aap use le aur wo prem aapke jeevanon par kabza le le god is offering that to you today aur parmeshwar aaj ke din wo prem aapko de raha hai it's a gift from god ye parmeshwar ki or se ek tohfa hai my friends how can anyone reject or resist this love gift mere priyo kaise koi is aise prem ke prati virodh kar sakta hai and I pray that you will be one of those great possessors of god's love और मेरी प्रार्थना यही है कि आप में से हर एक परमेश्वर के इस ऐसे निस्वार्थ प्रेम को अपने भीतर कब्जा रखने वाले लोग होंगे। greatest possession and a gift क्योंकि यही एक सबसे बड़ा वरदान और तोहफा परमेश्वर की ओर से। That's what 1 Corinthians chapter 13 verse 13 says। और इसी बात को पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13वें वचन में लिखा भी गया है। Now these three remain। अब ये तीन बातें रह जाती हैं। Faith, hope and love. विश्वास आशा और प्रेम And the greatest of these is love. और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है This is selfless agape love. और यही है निस्वार्थ अगापे प्रेम The God is
the only source of this love. और परमेश्वर ही इस प्रेम का एकमात्र स्रोत है. And I pray that all of us continue to possess this love, so that this love will control all our actions and our behavior. और मेरी प्रार्थना यही है कि हम में से हर एक इस प्रेम से भर जाए, ये प्रेम हमारे जीवनों पर कब्जा ले ले, ताकि हमारा हर एक काम, हमारी हर एक बात इसके द्वारा संचालित हो. And the operation of the gifts of the Holy Spirit have to be by this love. और हमारे पवित्र आत्मा के वरदानों को, आत्मिक वरदानों का संचालन भी हमें इस प्रेम के आधार और इसके अनुसार करना है. This chapter of love is put in between. और इसीलिए इस प्रेम के अध्याय को पौलुस 12 और 14 के बीच में रखता है. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. And let us value how much value you give for Jesus and his love. और आइए हम देखें कि कितना ज्यादा महत्व हम यीशु और उसके प्रेम के प्रति देते हैं. There is no price we can pay. और कोई भी दाम नहीं है जो हम चुका सकते हैं. It is beyond any price. क्योंकि ये किसी भी दाम के परे है. That is why God is beyond comprehension or beyond description. और इसी कारण परमेश्वर हमारी समझ के और हमारी तुलना के परे. How can we describe his love? और कैसे हम उसके प्रेम का वर्णन कर सकते हैं? It is beyond our understanding. ये हमारी समझ के परे. And yet we can be possessors of this. लेकिन फिर भी हम इस प्रेम से भरे हुए हो सकते हैं. Let it transform us. और उन्हें ये प्रेम हमें बदलता जाए. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. My friends. मेरे मित्रों. Meditate on this tonight. आज की रात आप इस वचन पर मनन करें. Read this chapter before you sleep tonight. और इससे पहले कि आप सोए आज की रात इस वचन के भाग को पढ़िए. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. And you may tell others about our Bible study and give them the link. और आप दूसरों को भी सूचित करिए और हमारे बाइबल अध्ययन के विषय में, ताकि और उनके संग भी इस लिंक को बांटिए, ताकि वो भी हमसे जुड़ने पाए. I don't want to continue with the online. और मैं ऑनलाइन माध्यम से बाइबल अध्ययन को नहीं चालू रखना चाहता. So soon we will be announcing about the physical coming together on Wednesdays for the Bible. और बहुत जल्द ही हम इस बात की घोषणा भी करेंगे कि हम शारीरिक रूप से कलीसिया के भीतर बैठकर परमेश्वर के वचन को सीखेंगे. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. And enrich you. और आपको भरता चला जाए. Amen. Amen.